कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर जिला प्रशासन अब बेहद गंभीर नजर आ रहा है और इसी के चलते जिलाधिकारी आलोक तिवारी की ओर से रोजाना कोविड-19 अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुमटी स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल का निरीक्षण हुआ। अपर मुख्य सचिव के साथ जिलाधिकारी के निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई जिसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मरीजों में ज्यादा पैसे लेने की शिकायतों पर प्रशासन गंभीर है और ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। हम जो जीटीबी हॉस्पिटल में आए हैं, ये हमारा प्राइवेट कोविड L2 फैसिलिटी है। इसका कार्य देखने के अपर मुख्य सचिव भी उत्तर प्रदेश सरकार से आए थे। हम लोगों ने यहाँ काम देखा है और जो यहाँ से हम लोगों को फीडबैक मिला है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम लिया जाएगा। नहीं, अधिकतर चीज़ें और हैं जो हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और करेंगे। अधिकतर ठीक है, मानक के अनुसार नहीं, ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा। टोटल 60 बेड हैं, 50 आइसोलेशन बेड हैं, 10 ICU बेड्स हैं। ये आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगा। बट जो हम लोग यहाँ पर खामियाँ खोजने नहीं आए थे, इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से आए थे ताकि अच्छे से इलाज हो सके, नहीं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर ओवर पेमेंट की शिकायत मिलेगी और सही पाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी।